गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो जी मैं हो चुकी हूँ रेडी शेडी, नहा धो के बिल्कुल फर्स्ट क्लास से। और अच्छा व्लॉग शूट कर रही हूँ मेरा। तो आज है बहुत टाइम बाद फाइनली हस्बैंड जी की छुट्टी, तो वो वहाँ हमारा व्लॉग शूट कर रहे हैं। अच्छा हाय करो, सलाम करो। अच्छा ये तो जी आज हम बड़े जल्दी से रेडी शेडी हो गए हैं, खाना शाना भी बना लिया, तैयार श्यार भी हो गए हैं, क्योंकि आज हमारे घर पे आने वाले हैं कुछ गेस्ट। गेस्ट कौन है जब वो आ जाएंगे तब मैं बताऊंगी आपको कि गेस्ट कौन है। फिलहाल तो मैं आपको बता देती हूँ कि टाइम हो रहा है 10:30। बैक कैमरे से दिखाती हूँ, तो गाइस देख सकते हो आप 10:30 हो रहे हैं, नहीं 10:15 हो रहे हैं अभी तो। और इस उसमें मैंने बाय 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 अभी आ रही हूँ, तो मैंने बना लिया है खाना। खाने में आप बताती हूँ, मैंने बनाया है चिकन बिरयानी, अभी दम पे रखी है, यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑलमोस्ट बिरयानी भी हमारी बन चुकी है, और हमने बनाया है चटनी और रायता। अभी बंद करना से मेरा चल रहा है, ये क्रीम गिर गई गाइस। मैंने नई चादर ली थी कल परसों, तो मैंने वो भी बिछाई है। मुझे ना इस तरीके की कॉटन की चादरें बहुत अच्छी लगती है। एक और ली है, वो मैंने सोचा जब कोई आएगा और दूसरी बार में तब बिछा लेंगे। तो बस यहाँ पर हम रेडी शेडी हो गए। असी देखो मैं कैसी लग रही हूँ, सुंदर। अच्छा पता कितने सारे लोगों ने बुलाया, कितने सारे गाने दिए कि भाई जी से कहो कि अपी और आप इस गाने पे रील शूट करो। करोगे शूट? काफ़ी सारे गाने हैं। अच्छा। लेकिन मुझे तो वो गाने पसंद आते हैं जिसमें मैं थोड़ा सा टॉर्चर करती हूँ तुमको, जो कि मैं रियल लाइफ में भी बहुत टॉर्चर करती हूँ। हैं आसी आसी, रियल लाइफ में भी मैं टॉर्चर करती हूँ। अभी इनका घंटों कॉल चलेगी, पता है इनके बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन आ गया, होंगे बोर, इनका चल रहा है फ़ोन कॉल और थ्रेडिंग हो चुकी है काफ़ी सारी। तो मैं भैया क्या करें जब उसको भेज रहे, चलो ठीक है मैं बाद में। तो जी हमारे गेस्ट जो हैं वो आ चुके हैं, और आए हैं अंकल और परवेज़ भैया। और जैसे ही अंकल और परवेज़ भैया, लिटरली इन्होंने सिर्फ पानी पिया था, और इतने में हमारे एसी की सर्विस वाले भैया आ गए और उन्होंने लगा दिया इतना सारा टाइम। तो फिर मुझे नाश्ता जो है ना इधर ही लाना पड़ा मम्मी के घर पर, और मैं ना आधी चीज़ें भूल भी गई थी क्योंकि 2-3 चकल के फिर वो इतना छोटा सा तो घर है, 2 जने ऑलरेडी एसी की गैस सर्विंग के लिए आ गए, तो मैं इतना ज़्यादा ना कुछ कर नहीं पाई। फिर उसके बाद थैंक गॉड एसी वाले चले गए थे, फिर हमने लगा दिया था लंच। अभी बज रहे हैं यहाँ पर दोपहर का, बज रहे हैं 2, और खाने में सबको बिरयानी बहुत ही पसंद आई, बड़े मज़े की लगी बिरयानी जो थी। आप देख भी सकते हैं कि कैसी बनी है माशाल्लाह से। हाँ मैंने ना रेसिपी शूट नहीं करी क्योंकि बार बार ना एसी वाले का फ़ोन आ रहा था, कभी किसी का फ़ोन आ रहा था, तो मेरा फ़ोन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही बिज़ी चल रहा था। तो इंशाल्लाह फिर कभी जब भी बिरयानी बनाऊँगी ना तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। फिर यहाँ पर आ गई थी अफू, आ चुकी थी, उसके बाद जो है ना अंकल और परवेज़ भैया का काम था तो वो लोग चले गए थे मार्केट। जैसे कि आपको पता है कि परवेज़ भैया गारमेंट के बच्चों के मतलब जेंट्स का, हाँ गारमेंट का शॉप है उनका, तो उसी के सिलसिले में आए थे तो काम था, और फिर हमारे पास भी मिलने के लिए आ गए, स्पेशली हमने बुलाया था। फिर उसके बाद मैंने बुलाया था पापा जी को, तो वो तो था दिन का लंच। अब इन लोगों को आते आते रात हो गई थी, तो फिर हमने रात में बनाया कीमा आलू का सालन, सलाद, रायता। और हस्बैंड ने बोला तुम बहुत ज़्यादा थक जाओगे तो एक काम करना रोटी मत बनाना, मैं नान रोटी बाहर से ही ले आऊँगा, और फिर क्या हाँ कबाब लेकर आए थे। तो बस यहाँ पे भी हमारा दस्तरखान सज चुका है, हालांकि अंकल जो है ना वो एक ही टाइम मतलब पेट भर के खाना खाते हैं, हाँ 2 टाइम, बाकी टाइम नहीं खाते। तो अंकल ने मना करा था कि बेटा मैं कुछ नहीं खाऊँगा, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि सुबह बोल दिया ठीक है दोपहर का लंच कर लिया था अब क्या रात का खाना नहीं खाएंगे, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो बस फिर आसू जी ने बोला फटाफट से तुम कुछ बना लो जो कि सिंपल एंड ईजी भी हो और अच्छा भी लगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पर खाना सब लोगों ने खाया बड़े मज़े से, बहुत ही अच्छा लगा। गाइस आज मैं इतनी थक गई हूँ उसके बावजूद भी देख लो मैं कितनी अच्छी हो गई हूँ अपने हस्बैंड की खिदमत करके। पापा
अपनी तारीख में दो शब्द बोले जाए, अभी के अभी, अभी के अभी। गुड गर्ल, दो गए दो शब्द। पापा जल्दी अभी, अच्छा वाला, अच्छा अच्छा अच्छा, ब्यूटीफुल, सुंदर। आसिफ नहीं बोलोगे तुम, एक पूरा सेंटेंस बोलो मेरे लिए, अभी के अभी सेंटेंस बोलो मेरे लिए। मैं नहीं दबाऊंगी, नहीं दबाऊंगी, नहीं दबाऊंगी। करम जली हो गया सेंटेंस। पति व्रता पत्नी, इसके आगे ये भी बोल सकते, पति व्रता पत्नी मेरी रानी। पति व्रता पत्नी मेरी कहानी, कैमरा बंद होगा तो बड़ी तारीफें होती रहेंगी और मेरे आगे पीछे लगे रहोगे। जैसे कैमरा चालू होता है तो बंदे का ये है कि इसकी तारीफ नहीं करनी कैमरे के आगे, कहीं ऐसा ना हो जाए चढ़ जाए। ऑलवेज मैं चढ़ी हुई आराम से, मैं बहुत अच्छी हूँ मुझे पता है। अच्छा बस तो ठीक है। तो गाइज मैं इस वीडियो को ना अभी यहीं पे एंड करती हूँ, अगर कुछ सुबह होता है तो जरूर बताऊंगी। बाकी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज, बहुत ज़्यादा ही थकान सी हो गई है, लेकिन जब सब आते हैं तो अच्छा बड़ा लगता है कि अंकल आए, परवेज भैया आए और उसके साथ साथ मेरे पापा भी आए। बहुत टाइम बाद पापा के साथ डिनर हुआ, लंच हुआ, बड़ा मज़ा आया, खूब सारी हम लोगों ने बातें करी हैं, खूब अच्छा सा खाया पिया है। और अब मिलते हैं सुबह में, और बच्चों को स्कूल भी भेजना है मुझे, तो मुझे सुबह 6 बजे 5:30 बजे उठना पड़ता है, मोटर चलानी पड़ती है, फिर बच्चों को खाना पड़ता है। तो बस कल का दिन मैं सोचूंगी थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि खाना काफ़ी सारा बचा हुआ है। तो मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। चलो तो जी, आज है जुम्मा और सब जने चले गए हैं। जैसा कि आप लोगों ने कल के व्लॉग में देखा कि बुलबुल के ससुर और देवर आए हुए थे और दिल्ली में, जैसे कि आपको पता है कि परवेज़ भैया की है गारमेंट्स की शॉप, तो वो अपने काम के लिए आए हुए थे। तो बस यहाँ पर आ गए मिलने के लिए पापा से, हम लोगों से, क्योंकि उनका जो काम था वो 2 दिन का था, तो इस वजह से वो लोग रात को दिन में अपना काम वाम करके फिर उसके बाद वो रात को रुके। तो आज सुबह ही 6 बजे वो लोग चले गए हैं और आज है जुम्मे वाला दिन। और 9 बजे तो अंकल अपने घर पहुँच भी गए थे, मतलब इतना आसान था, मतलब सुबह 6 बजे निकले और 9 बजे वो सासनी पहुँच भी गए। अंकल का फ़ोन भी आ गया था कि जी खैरियत से हम लोग पहुँच गए हैं। और रात मैंने बनाया था कीमा आलू का सालन था, फिर आसिफ जी जो है वो कबाब ले आए थे, ना सैलड वहाँ से भी था, चटनी रायता, ये सब फिर मैंने बनाया था और बहुत मज़े से सब लोगों ने खाया, सबको बहुत पसंद आया। अब आलम यह है कि मेरी बज चुकी है बैंड, मैं बहुत थक गई हूँ और फिर सुबह ही 6 बजे उठी, बच्चों को स्कूल भेजा और आज मैं 2 दिन से कोई वॉक पर नहीं जा रही हूँ, कि कल भी नहीं गई थी वॉक पर, मेहमानों को आना था और आज इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं कल से बहुत ज़्यादा थक गई थी। बस इस उसमें ये अच्छा हुआ कि ना बहुत टाइम बाद गेट टुगेदर हुआ था, अंकल से बातचीत हुई, मिलना जुलना हुआ और पापा को मेरे बड़े मज़े आते हैं बुलबुल के ससुर जी से और अनु के ससुर जी से। जो भी है, जब भी मिलते हैं तो हमें ऐसी वाइब नहीं आती है कि वो किसी के ससुर है, हमें ऐसा लगता है हमारे अंकल ही हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो बात करने में बहुत ही अच्छा लगता है। पापा बड़े खुश थे, बहुत टाइम बाद पापा घर पर भी आए थे मेरे, और घर पर आके पापा ने लंच और डिनर भी करा और बहुत मज़ा भी आया, खूब हंसी। रात को भी लिटरली पता है 11:30 बज गए थे, किसी का मन नहीं हो रहा था उठने का, फिर वो तो अंकल ने ही कहा कि चलो भाई अब सोने चलते हैं क्योंकि बच्चों को भी सोना है। सोए ये लोग ऊपर ही थे, मम्मा के यहाँ पर ही, पापा के यहाँ पर ही सोए थे, तो क्योंकि हमारा घर थोड़ा छोटा पड़ जाता है ना, तो सोने साने का सेटअप नहीं हो पाता है और फिर इस वजह से। और कल का दिन कहाँ गुजरा पता नहीं चला। और मैं उसमें बता दूँ, कल जो है ना कि कल हमारे एसी की भी गैस जली थी, इसमें 3 जगह से लीकेज थी, तो कल वो लोग भी आए थे, तो इसलिए मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी सब कुछ कर लूँगी। लेकिन वो होता है ना, जो मैं सोच के रख, जैसे हम लोग जो सोचते हैं वो एकदम से नहीं होता, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। तो बस कल का खाना रखा हुआ है सारा, बिरयानी भी अभी बची हुई है थोड़ी, हाँ उसमें पीसेस नहीं है और मुझे मेरे बच्चों को कोई पीसेस से मतलब भी नहीं होता। हस्बैंड के लिए मैं
बोल रही थी कि मैं बिरयानी पैक कर दूँ, फिर मैंने कीमा आलू का सालन भी बनाया था और लिटरली मैंने ये सब चीज़ें पैक भी कर दी गर्म करके। फिर आसिफ जी को याद आया कि नहीं आज मतलब कल से नवरात्रे शुरू हो गए हैं और आज सेकेंड डे है, तो हस्बैंड मेरे इस चीज़ का बड़ा ही एहतराम करते हैं कि जहाँ पर ये चीज़ें होती है, जैसे अब आसिफ जी हैं उनके ऑफिस में सारे जने नवरात्रे ही रखते हैं, तो हस्बैंड को ये रहता है कि फिर वो 9 दिन जो हैं वो नॉनवेज नहीं लेके जाते हैं, वो वेज ही लेके जाएंगे, और अगर वेज नहीं है तो वो फ्रूट वगैरह ले जाएंगे या फिर वो बाहर से एडजस्ट कर लेते हैं। कहते नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता कि नहीं भाई हर किसी के मज़हब का एहतराम करना चाहिए। तो आपको मैं दिखाऊँ सच्ची में वो खाना जो वो छोड़ के गए ना, फिर मैंने जल्दी से फ्रूट्स काट के उनके डब्बे में रखे, मैंने कहा चलो आप फ्रूट्स ले जाओ, वैसे मैं उनको बनाना शेक भी बना के दे देती हूँ लेकिन आज बनाना भी ख़त्म हो गए थे। होता है ना कि जैसे कि घर का जो नॉर्मल सेटअप चल रहा होता है वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, तो फिर मैंने कहा कि यार आप कैसे मैनेज करोगे, कह रहे नहीं वो मैं मैनेज करूँगा लेकिन तुम नॉनवेज को वापस के वापस ही रख लो, मैं घर पे आके खा लूँगा लेकिन मैं ऑफिस में नहीं लेके जाऊँगा। मैंने कहा तो जैसे हाउसकीपिंग में जो लड़का है वो आसिफ जी का टिफ़िन बनाता है, वो उनको सर्व करता है सारा कुछ है, तो मैंने कहा आप खुद गर्म कर लेना खुद खा लेना, कह रहे यार लेकिन खाने की जगह तो सबकी एक ही है ना, तो अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से किसी का दिल ख़राब हो, खुशबुएँ तो उड़ती हैं। और हालाँकि इनके ऑफिस में सारे बच्चे नॉनवेज खाने वाले हैं, सबको नॉनवेज बहुत पसंद है, लेकिन बस वो ये कि नवरात्रों के दिनों में कोई नहीं खाता क्योंकि कोई फास्ट रख रहा है कोई नहीं रख रहा है, लेकिन मेरे हस्बैंड इस चीज़ का बड़ा एहतराम करते हैं कि नहीं यार कोई रखे या ना रखे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन जो मेरी चीज़ें हैं वो मैं करूँगा। मैं चलो जी ये चीज़ें भी अच्छी लगती हैं कि हाँ भाई आप दूसरे के मज़हब को उतनी ही वैल्यू दो उतना ही सब कुछ करो, तो मेरे हस्बैंड में ये एक अच्छी क्वालिटी है। वैसे तो दो चार और भी हैं और कल रात को आप लोगों ने देखा होगा वो ऐसे ही करते हैं कि मैं उनसे कुछ भी कहूँगी ना कैमरे में वो नहीं कहेंगे, उनका रहता है और मतलब जितना हो सके मेरा दिल जलाने वाली बात ना वो कर ही जाते हैं। तो बस अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से सफाइयाँ करने के लिए और आज मुझे जाना है दांत वाले डॉक्टर के पास अपने, क्योंकि मेरे दांत का जो है ना वो आज क्लीनिंग होनी है। और मेरा दांत का कुछ ऐसा सीन है कि डॉक्टर ने बोला है या तो आप अपनी शुगर कंट्रोल करके दांत निकलवा दो और नहीं तो इस पे कैप चढ़वा लो। कैप अब मैं इसलिए नहीं चढ़वाना चाहती, मैं नहीं चाहती कैप चढ़े मेरे दांतों में क्योंकि जैसे ही मेरा शुगर इधर उधर होता है तो मेरे दांत की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि मैं नॉनवेज में से ऐसी नहीं हूँ कि मैं बोटियाँ छोटियाँ पीस वगैरह खाती हूँ कुछ भी है, तो शुगर ऊपर नीचे होती है थोड़ी सी भी बढ़ती है तो इस वजह से शायद दांत में दर्द शुरू होता है, ये मेरी ऐसी सोच है। तो डॉक्टर ने कहा कि निकलवाना है, मैंने कहा नहीं निकलवाना भी नहीं है और उसके बाद आप इसको क्लीन कर दिया करो हर महीने, कह लेंगे ठीक है आप आ जाया करो क्लीननेस करवाया जाए, तो जब तक चल रहा है चलाते हैं, जिस दिन निकलेगा तो निकल ही जाएगा, ऐसा सा सीन है। तो बस अब मैं जा रही हूँ ये सब करने के लिए और फिर जुम्मा भी है नमाज़ पढ़ूंगी और फिर मैं सोऊंगी। भाई मैं जब तक 2-3 बार सो नहीं लूँगी ना रिलैक्स नहीं कर लूँगी तब, और मेरे को ना कहीं रोज़ कहीं ना कहीं जाना आना पड़ रहा है मार्केट ये वो, तो बस आज मैं थोड़ा सा मार्केट से भी ब्रेक लूँगी। कल आप लोगों ने देखा होगा परसों के ब्लॉग में कि मम्मी के घर पर पुप्पी वगैरह आई हुई थी तो सबके लिए मैंने खालू वगैरह की फैमिली के लिए कचौरियाँ बनाई थी, फिर कल पूरा दिन हो गया मुझे और फिर मैंने कहा नहीं आज का दिन तो मैं रेस्ट करूँगी, अभी 1-2 दिन कहीं नहीं निकलूँगी घर से बाहर, मैं हूँ ही नहीं, मैं ना बोर्ड लगाने वाली हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। होता है मम्मी के घर का भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ही है, अपने घर की तो है ही है जो भी है, लेकिन मम्मी के घर पे भी हमें ही देखना पड़ता है, मुझे ही देखना पड़ता है सारा कुछ, तो बस देखते हैं अल्लाह बस हमारी भी मुश्किलें आसान करे सारा कुछ ढंग से हो जाए। तो बस अब हम मिलेंगे आपसे थोड़ी सी देर बाद, ठीक है ना, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए क्या ध्यान रखिए, बस मैं अभी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे नमाज़ वगैरह पढ़ के, ठीक है ना, तो चलो जुम्मा इंजॉय करते हैं।